हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नींबू का अचार। ये हमने बिना तेल बिना मसाले का ये नींबू का अचार बनाया है। बहुत ही टेस्टी बना है। इसे एक बार आप हमारे तरीके से बना के देखें। अब बहुत ही झटपट बन भी जाता है। और ये देखिए, हमने ये नींबू ले लिए हैं। ये जो बड़े वाले नींबू होते हैं, वो वाले नींबू हैं। उसको हमने अच्छे से धो लिया है, धो के पोंछ लिया है। पोंछने के बाद ये हमने इससे अदरक कसा जाता है, इसी से हमने ऊपर ऊपर के छिलके को हल्का हल्का सा कस लिया है, ताकि जो इसकी कड़वाहट वो निकल जाए। और हमें इस तरह से सारे नींबू में कर लेना है। और इस तरह से आप रगड़ेंगे, ये छेद है जो कद्दूकस करने वाला है, पतला वाला है, तो आप इससे करेंगे इस तरह से। देखिए, सारे हमने नींबू को अच्छे तरीके से साफ कर लिया है, क्योंकि इसमें कड़वाहट होता है, तो हमने ऊपर ऊपर के हल्के हल्के छिलके निकाल लिए हैं। अब इसे हमने अच्छे से पोंछ लेना है, धो लेना है और पोंछ लेना है। पानी एकदम इसका सुखा देना है, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और इसे हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद इसे हमने बीच से कट कर लेना है और फिर एक कट और लगा देना है। और एक एक करके इस तरह से बीज को हमें निकाल देना है। बीज हमने निकाल दिए हैं इसके। बीज निकाल दीजिएगा, नहीं तो इसे कड़वाहट होती है, फिर मुंह में आपके चला जाएगा, तो ये कड़वाहट सी लगेगी। तो नींबू के बीज को ज़रूर निकाल दें। और इसे आप चाहे गोल आकार में काटिए, चाहे लंबे में काटिए। और पीसेस आपको जितने बड़े बड़े करना हो, आप उतने बड़े पीसेस कर सकते हैं इसमें, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो एक अचार लेने में ठीक रहता है। कट करने के बाद इसमें हमने नमक डाल दिया है। और नमक हमें थोड़ा सा बढ़ा के ही डालना है, थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि इसकी कड़वाहट को कम करना है और इसके खट्टेपन को। और ये हमने हल्दी पाउडर डाल दी है, थोड़ी सी हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा तीखा रहेगा तो अच्छा लगेगा। और इसमें हमने एक चम्मच कलर वाली कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, ताकि इससे कलर अच्छा आ जाए। और ये काली मिर्च ले ली है, काली मिर्च को भी कूट लिया है हमने। आप लाल मिर्चा स्किप करके ये काली मिर्च डाल सकते, इससे भी थोड़ी सी तीखीपन आ जाता है। और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और ये नींबू का अचार बहुत झटपट बन जाता है। और इसे आप तुरंत बनाइए, तुरंत खाइए। और इसे हमें मिक्स करने के बाद, इसे मिक्स हो गया है, ढक देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये हमने इसको ढक दिए, बना लिया है, मिक्स कर लिया है अचार को। अब इसे हम ढक के रख देंगे। और इस तरह से ढकने के बाद इसे हम एक धूप दिखा लेंगे। आप इसे एक धूप दिखा दीजिएगा, इस तरह से इसका पानी जो रस है वो छूट जाएगा। और इसे हम एक डिब्बे में, और डिब्बे को हमें अच्छे तरीके से पोंछ के, इसमें बिल्कुल पानी ना रहे, और धूप में सुखा के ही डिब्बे का यूज़ करें। आप कांच में भी रख सकते हैं, प्लास्टिक में भी रख सकते हैं। और जो चम्मच आप डालते हैं, उसे भी धो के पोंछ के सुखा के अच्छी तरीके से, नहीं तो इसमें पानी लगेगा तो बहुत जल्दी नींबू ख़राब हो जाएगा। और इसे हमने डिब्बे में रख दिया है। और इसे आप साल दो साल खाइए। और इसे आप बीच बीच में धूप जरूर दिखाते रहिएगा, इससे नींबू के अचार की समय बढ़ जाएगा। और देखिए, हमने तैयार कर लिया है। और इसे आप धूप बीच बीच में धूप दिखाते रहें, और ये दो तीन दिन के बाद एकदम खाने लायक है। चाहे तुरंत भी आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। इसे आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।